वेल तो ही गाइस वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो वेल आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बहुत सारे सुपरस्टार्स को फॉक्स नहीं चाहता कि वो स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिले, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है इस बारे में बात करेंगे। एंड ब्रे वाइट को भी लेकर एक काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ देखने को मिल रही है। इस हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूवरशिप कितनी देखने को मिली, ब्रांड स्प्लिट को भी लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। एंड द ब्लड लाइन को कंपेरिजन किया जाता है ऑल एलिट रेसलिंग के सुपरस्टार से भी, एंड और भी अच्छी खासी अपडेट है। तो इस वीडियो में भाई लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो को काफी कुछ अपडेट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके तो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये हमें देखने को मिल रहा है स्मैकडाउन की तरफ से। तो स्मैकडाउन को लेकर अपडेट हमें यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि फॉक्स नेटवर्क यहां पर बहुत सारे सुपरस्टार से जो कि खुश नहीं है और उन सुपरस्टार को स्मैकडाउन के अंदर नहीं चाहता, जिनमें से यहां पे हमें नेम देखने को मिल रहा है और उसमें है कैरियन क्रॉस, हेट्रो एंड रॉन्डा राउजी, कुछ ऐसे यहाँ पर नाम देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर WWE जो कि ऑब्वियसली इंटरेस्टेड तो है लेकिन जो फॉक्स वाले हैं, फॉक्स नेटवर्क है, वो इंटरेस्टेड नहीं है इनको स्मैकडाउन के अंदर रखने के लिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है, यानी कि कैरियन क्रॉस, हेट्रो एंड रॉन्डा राउजी इन फ्यूचर हमें आने वाले समय में मंडे नाइट रॉ के अंदर ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देंगे या फिर वो हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर WWE हमें प्लान करते हुए दिखाई दे सकती है। लेट्स सी इसको लेकर और भी क्या कुछ अपडेट आती है तो मैं बता दूंगा आप लोग को। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है कॉनन को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि WWE हॉल ऑफ फेम 2023 के अंदर रेम स्टूडियो को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर लिया गया है। तो कौन सा सुपरस्टार इनको होस्ट करने वाला है, तो इसको लेकर अपडेट हमें यहाँ पर ये देखने को मिली है कि जो होस्ट करने वाले सुपरस्टार है रेम स्टूडियो को एट WWE हॉल ऑफ फेम 2023, वो सुपरस्टार कोई और नहीं, वो सुपरस्टार कॉनन देखने को मिलेंगे। यानी कि कॉनन यहाँ पर होस्ट करने वाले हैं रेम स्टूडियो को एट हॉल ऑफ फेम 2023, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है और जो कि काफ़ी बड़ी बात है। लच्छी भाई क्या देखने को मिलता है, लेकिन ये काफी बढ़िया बात देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे कमेंट बता देना। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है WWE के ब्रांड स्प्लिट को लेकर। तो WWE यहां पर रोड टू रेसलमेनिया के दौरान ब्रांड स्प्लिट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और आने वाले स्मैकडाउन के शोज के अंदर बहुत सारे मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स को एडवर्टाइज कर दिया गया है। यानी कि आने वाले हमें स्मैकडाउन के अंदर बहुत सारे मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ यहां पर अपडेट देखने को मिल रही है और WWE रोड टू रेसलमेनिया के दौरान बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर रही है ब्रांड स्प्लिट के जो भी रूल थे, इन सारे रूल्स को। वेल होप करते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर हमें ब्रांड स्प्लिट देखने को मिलता है, रॉ और स्मैकडाउन अलग अलग देखने को मिलता है, तो भाई रूल को काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो काफी बढ़िया ही रहेगा। अगले अपडेट की बात कर ले तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है इस हफ्ते के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि इस हफ्ते का जो हमें स्मैकडाउन का व्यूअरशिप देखने को मिला है वो 2.136 मिलियन देखने को मिला है। Yes, 2.136 मिलियन देखने को मिला है। पिछले हफ्ते हमें 2.299 मिलियन व्यूअरशिप देखने को मिला था, लेकिन इस हफ्ते यहां पर हमें व्यूअरशिप घटते हुए यानी कि कम होते हुए दिखाई दी है, जो कि 2.136 मिलियन 2.299 मिलियन से। तो ऐसा कुछ यहां पर अपडेट देखने को मिल रहा है। वेल भाई होप करते हैं कि स्मैकडाउन जो कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कुछ सुपरस्टार्स का, वो एडवर्टाइजमेंट बंद कर दे तो काफी बढ़िया रहेगा। लेट्स सी वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है आने वाले स्मैकडाउन के अंदर और होप करते कि व्यूअरशिप हमें यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दी जाए। वैसे व्यूअरशिप काफी अच्छी खासी फिर भी है। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है ब्रे वाइट को लेकर। तो ब्रे वाइट को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे शोज के अंदर कुछ दिनों से हमें ब्रे वाइट अपीयर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछले स्मैकडाउन के अंदर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, इस हफ्ते के स्मैकडाउन के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो रिपोर्ट्स हमें यहां पर यह देखने को मिली है कि ब्रे वाइट एंड बॉबी लैशली का सेगमेंट प्लान था स्मैकडाउन के अंदर कल के, लेकिन ब्रे वाइट एरिना के अंदर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जो ब्रे वाइट एंड बॉबी लैशली का सेगमेंट था उसको मतलब किया ही नहीं गया और ब्रे वाइट यहाँ पर एरिना के अंदर हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। वेल इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का इशू क्या है, इसको लेकर अभी तक कोई और भी अपडेट आई नहीं है, लेकिन ब्रे वाइट हमें यहाँ पर WWE के शोज के अंदर नहीं देखने को मिल रहे हैं। वेल होप करते हैं कि कोई स्टोरी लाइन का पार्टी हो, ऐसा ना कि कोई भाई यहाँ पर बड़ी इंजरी हो चुकी है ब्रे वाइट को इसलिए हमें वो शो के अंदर नहीं देखने को मिल रहे, या फिर WWE यहाँ पर प्लान को ये स्क्रैप न करते हुए दिखाई दे जाए। लेट्स सी वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम नहीं है,
ये तो भाई ब्रे वाइटी जाने या फिर डब्ल्यू डी जाने। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है द ब्लड लाइन के एक शॉकिंग कंपैरिजन को लेकर, जो कि ऑल एलिट रेसलिंग के सुपरस्टार से देखने को मिली है। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जेक द स्नेक रॉबर्ट्स को आप लोग जानते रहोगे, जो कि सांप लेकर रिंग में आया करते थे पहले 90s के टाइम पे, तो वही यहाँ पर अपने रिसेंट के पॉडकास्ट के अंदर कंपेयर करते हुए दिखाई देते द एलिट, या जानते रहोगे कैनी ओमेगा एंड द यंग बक्स को द एलिट को कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते द ब्लड लाइन से, जहां पर उनका ये कहना था कि द एलिट काफी सुपीरियर है द ब्लड लाइन से। वेल, मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लगता, वैसे आपको कौन से एंगल से लगता है कि भाई द एलिट सुपीरियर है ब्लड लाइन से, कमेंट में बता देना। ओवरऑल इतनी थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड हां, मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।